शार्क्स, हमारे देश में कोई बच्चा कोई स्पोर्ट खेलते ना खेलते, क्रिकेट तो एक बार जरूर खेलते। हम सबको क्रिकेट इतना पसंद है, हम बैटिंग ही करनी चाहते हैं। एक अच्छा बैटर बनाने के लिए एक अच्छा बॉलर चाहिए। लगभग 40 लाख क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में से 70% क्रिकेटर्स टायर 2 या टायर 3 सिटी से आता है, जहां अच्छा बॉलर तो दूर की बात है, क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। वहां की कोचेस, फ्रेंड्स या पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 बॉल डाल सकते हैं, इसलिए बैटर्स को उनका ट्रेनिंग के लिए स्पीड और स्विंग नहीं कर पाता। तो बैटर को एक बजट फ्रेंडली और रियल लाइफ जैसा बॉलिंग के साथ ट्रेनिंग करवाने के लिए हम लेकर आए हैं फ्री बॉलर। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रतीक पालानेत्रा। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है विश्वनाथ एचके और हम बैंगलोर से आए हैं। फ्री बॉलर एक ऐसा मैकेनिकल बॉलिंग मशीन है जो सिर्फ स्प्रिंग और बैटरी पे चलता है। आप हमारा ये प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट से खरीद सकता है और खुद से आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हमने आज तक 15 कंट्रीज में लगभग 1000 बॉलिंग मशीन सेल किया है, क्रिकेट एकेडमीज को, इंडिविजुअल क्रिकेटर्स को, स्कूल्स और कॉलेजेस को। शार्क्स, हमारा विजन है कि हमारे इस इनोवेटिव प्रोडक्ट के मदद से सब लेवल क्रिकेटर्स को एक बेहतर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जैसा एक क्रिकेटर को मिलते हैं। इस विजन को पूरा करने के लिए हमारी आज के 75 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 7.5% इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू रेडी टू पैड अप एंड फेस फ्री बॉलर? सो प्रतीक एंड विश्वनाथन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप क्रिकेट खेलते हैं खुद? हाँ सर, मैं कर्नाटका रेस्पॉन्स गया हूँ अंडर 16 एज का। wow. और मैं यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, क्वालिफाइड कोच हूँ, क्वालिफाइड अंपायर हूँ। और प्रतीक, आप? हम दोनों ने साथ से क्रिकेट खेला है अंडर 13, अंडर 15 एज से। सो आई ऑल्सो हैपन टू बी कजन्स विद केएल राहुल, हु इज करंटली ऑन द इंडियन नेशनल टीम। वाओ। सो दैट्स माय बैकग्राउंड, प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट टुगेदर ग्रोइंग अप। वाओ। आप दोनों में इक्विटी स्प्लिट और कौन क्या करता है, क्या डेजिग्नेशन है? आई टेक केयर ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग मेरा डिपार्टमेंट है। ऑफ कोर्स फाउंडर, इक्विटी परसेंट है मेरा 32.6%। और आपका? मैं ऑपरेशंस, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट देखता हूँ। मेरा इक्विटी है 21.74%। वी हैव हिज फादर एज अ पैसिव इन्वेस्टर हु हैज एन इक्विटी ऑफ सेम एज प्रतीक। वी हैव अश्विन एज अवर ब्रांड एंबेसडर, सो ही हैज एन इक्विटी ऑफ 13.04%। One thing where I think the free bowler will really tick is the ease at which it's actually folded and carried around. You take it somewhere, the fact that it can actually swing the ball, there are natural variations. I'm not going to be able to bowl 12 outswingers on the trot, but a free bowler probably can. हम लोग अश्विन के बहुत फैन हैं। अश्विन तो ए लेजेंडरी प्लेयर है। तो इसका डेमो वेमो दो ना। सो हमारा दो वेरिएंट्स है, ऑफ कोर्स नॉन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक वर्जन। अच्छा, इलेक्ट्रिक भी है आपके पास? बैटरी ऑपरेटेड। तो आपको डेमो दिखाने के लिए हम दो क्रिकेटर्स को बुलाया है। ले आओ, ले आओ, श्योर आ जाओ। वाओ, कम ऑन गाइस। ये प्रीतम राठौड़ है, 13 साल का, मुंबई से। हाय। हाय शख्स। हे बारी। हे प्रियंका राठौड़ है, 18 साल का, मुंबई से। हाय सर। हाय। आई लव योर टी-शर्ट, क्रिकेट इज बे। नाइस। थैंक यू। नाइस। चलिए भाई, मेक श्योर द मशीन इज स्टेबल। आप आर्म ऐसा पुल करके और दो फिंगर्स पुल इट, लॉक इट, ग्रैब दिस हैंडल्स, थोड़ा प्रेशर दबा के ऐसा लॉक करना। बॉल बैक से आप बॉल, ये लेकिन होगी जनरली सीजन बॉल, जनरली सीजन बॉल, यहाँ पे सेफ्टी के लिए कई बॉल यूज आप यूज कर सकते हैं। ओ भाई साहब। अच्छा, ये हर बार ऐसा करना पड़ेगा? मैनुअल पावर, मैनुअल बैटरी वाले, स्विंग ऑपरेटेड। ये यॉर्कर था, मैं लेंथ अभी थोड़ा चेंज किया। अच्छा, ये रिस्ट पोजीशन जैसा एंगल मूव होता, आप इधर देखा तो मूव हो रहा है। लॉक इट। वो ऐसा कोई ग्लोबली ऐसा ग्लोबली ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। चलो आ जा विनीता, आपके पास पेटेंट है इसका? यस। मैडम के गिरने के चांसेस पूरे। क्लिक क्लिक नॉइज हैज टू कम। या बॉल के साथ तुम मत चले जाना। ओके, आर यू रेडी? यस।
होगा बाउंस शक्ल देख वो डर गया बेचारा तो बाउंस क्यों हुआ बॉल ये भाई शॉर्ट शॉर्ट लेंथ 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 एडजस्ट यहाँ पे अगर किसी का आ गया फिंगर वगैरह तो इमीडिएटली हमने ऐसा डिजाइन किया है फिंगर इधर नहीं जाते बट आपका पॉइंट वैलिड इट्स वेरी राइट इसका वेरिएशन कितना हो सकता है कितनी स्पीड पे जा सकता है मैक्सिमम क्या आप है 130 तक फेंक सकते हैं प्रतीक शो द नेक्स्ट मशीन अगर ये बैटरी ऑपरेटेड है Noisy machines. तो leather ball तो आप अंदर उसमें डाल देंगे वो एक-एक pick करता रहेगा. हाँ, एक-एक pick करेगा. Good, thank you guys. Thank you. इसका price क्या है? Manual का 20,000 है. Electric version अभी when we launch it, it's going to be around 40,000. प्रतीक, आपने ये जो machine बनाई, आपको लगता है ये scale करेगी ये वाली? ये काफी अभी rudimentary लग रही है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, balance. रिस्क भी लगता है बहुत हाई है आप जो पॉइंट्स सेफ्टी या अदर पॉइंट्स आप लोगों ने बताया वी कैन फिक्स इट दिस इज वी वांटेड टू एंटर अ मार्केट विद अ सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट प्राइस वर्थी वेयर वी कैन गेट स्टार्टेड एंड देन विद ऑल द फीडबैक वी हैव टेकन ए हमने ए बिल्ड किया मार्केट में जो भी बोलिंग मशीन अवेलेबल है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है तो आपने बताया कि 1000 मशीन आपने बेची है एक तो आपका सेल्स कितना हुआ है और कस्टमर स्प्लिट 70-75% हमने इंडिविजुअल ट्रेडर्स को बेचा है अराउंड 20-25% क्लब्स ने खरीदा एंड द रिमेनिंग इज स्कूल्स कॉलेजेस कैसे बेच रहे हैं इंडिविजुअल्स को टिल नाउ वी हैव बीन सेलिंग इट यूजिंग आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स अभी तक एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क नहीं है टोटल सेल्स कितना था आपका इन 2018-19 वी डिड अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 26 लाख in 2019-20 we did a sales of 70 lakhs 2020-21 we did a sales of 53 lakhs and 2021-22 we did a sales of 55 lakhs and last month 1 lakh kya ho raha hai hum cash flow manage karne mein thoda sa hum we are finding it difficult we have been focusing on our electric version a non electric version manufacture karke inventory rakhna ko bhi hum bahut mushkil ho gaya hai abhi तो यूनिट इकोनॉमिक्स भी बता दो हमारा सेलिंग प्राइस है 20,000 हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा 8,000 शिपिंग कॉस्ट होगा ऑन एवरेज 1,500 रिटर्न्स एंड रिपेयर्स का अराउंड 500 रुपया अराउंड 700-800 रुपीज ऑन द प्रोसेसिंग चार्जेस एंड वी हैव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 45% तो कुछ पैसा बनाया अभी तक नहीं वी आर इन लॉस यू आर इन लॉसेस हाउ डू यू गाइस सरवाइव 5 इयर्स से ये बेच रहे हो अभी हमारा एक अग्रीमेंट हुआ है जैसे बोला कि एसजी का एक डिस्ट्रीब्यूशन विंग है कोपोजिस उनके साथ हमने अगले 18 मंथ्स के लिए 1500 मशीन का अग्रीमेंट हो चुका है और वी आर गेटिंग अ परचेस ऑर्डर इन सम टाइम साइंड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन हो गया सर और पैसे दिए उन्होंने नहीं अभी पीओ का वेट कर रहे जो आपका रियल कॉम्पिटिशन है जो आपने बताया कि एक्सपेंसिव है इलेक्ट्रिसिटी लगता है हैवी है वो कौन बेचता है और उसका प्राइस क्या है लेवरेज बोलिंग मशीन्स दे आर फ्रॉम हैदराबाद दे हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स 1 लाख 1.5 लाख वो स्टार्टिंग रेंज होता है बाद में उनके पास 5 लाख का मशीन भी ही 6 लाख अभी है 50,000 और अभी इस कंपनी जो लेवरेज है दैट इज द ओनली प्लेयर इन इंडिया जो बेच रहा है इन इंडिया दे आर द ओनली बिगेस्ट प्लेयर उनका सेल्स क्या है आप शार्क टैंक पे आए हो पिच करने तो एक अंदाजा होना चाहिए क्या गोल है कि 3 साल में कितने मशीन्स बेचोगे इलेक्ट्रिक वाले हम 1 लाख यूनिट्स बेचने का 5 ईयर का रोड मैप है क्योंकि 40 लाख इंडिविजुअल क्रिकेटर्स खेलते हैं रजिस्टर्ड क्रिकेट प्लेयर्स इंडिया में और 30,000 क्रिकेट क्लब्स एकेडमीज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कोचिंग सेंटर्स हैं 5,000 क्रिकेट स्टोर्स हैं मतलब आप बेचोगे 500 करोड़ का माल 5 साल में या मोर और 40,000 हो सकता है सस्ता हो जाए तो 200-250 करोड़ हाँ तो 200-250 करोड़ ओवर 5 ईयर्स ठीक देखिए भाई प्रतीक विश्वनाथ मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ कि आपको मार्केट का अंदाजा नहीं और अब इसमें कूद पड़े हो 6 साल से लगे हुए हो या इंडिया में जो प्लेयर है लेवरेज उसका साइज कितना आपको ठीक से पता नहीं तो मुझे आपके बिजनेस एक्यूमेन में थोड़ा डाउट आ रहा है इस वजह से मैं आउट हूँ गुड लक टीम थैंक यू आपकी मशीन देखी क्रिकेट देखा ये पिच से मैं आउट हो गया एक
तो आपकी मैनुअल मशीन अभी तक परफॉर्म करना एंड एक लेवल पे आई नहीं है और ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है इलेक्ट्रिक मशीन. बिजनेस इज नॉट इवन देयर येट. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट ऑफ दिस पिच. थैंक यू वेरी मच. प्रतीक और विश्वनाथन, आपने जो बनाया है ये फर्स्ट पायलट वैसा प्रोडक्ट है. ऐसे हार्डवेयर वाले बिजनेसेस में क्या होता है दैट एक बार एक बन जाता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक्सपोनेंशियली वो टेक्नोलॉजी एलिगेंट होती जाती है और प्राइस कम होता जाता है. तो अगले 5-6 साल में इसका मुझे लगता है एक बहुत एलिगेंट, स्मूथ, गुड लुकिंग, अफोर्डेबल वर्जन आएगा जो बहुत बड़ा होगा. अब यहाँ से वहाँ की जर्नी थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि वहाँ पे आप कंपीट करेंगे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ. तो मुझे अभी इसमें पार्टिसिपेट करने का सेंस नहीं लग रहा है. बेस्ट ऑफ लक. मुझे लगता है इंडिविजुअली खाली छोटे शहरों में नहीं, बड़े शहरों में भी लोग 40-50 हज़ार रुपए नहीं खर्चेंगे और इसको बहुत सस्ता बनाना भी इतना ईजी नहीं रहेगा. तो अकेडमीज बहुत है तो वहाँ मार्केट है इसका, बट इट इज टू अर्ली स्टेज मेरे हिसाब से. जो आप वैल्यूएशन भी मांग रहे हैं. नहीं यार, इट इज टू लेट स्टेज यार पीयूष. इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इतनी मशीन्स है जो थ्रो, हर स्पोर्ट में देयर इज अ बॉल थ्रोइंग मशीन. इवन इन क्रिकेट आपको क्या लगता है मशीन नहीं यूज होती है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब जगह मशीन यूज होती है. सिर्फ इशू ये है कि आज की तारीख में वो मशीन थोड़ी एक्सपेंसिव है. थोड़ी नहीं, काफी ना अनुपम. This is not the answer to that. 1.5 lakh is the starting point. This is not the answer to that. People, there is no demand for this. मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा. मुझे लगता है कि फंड रेज करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. थैंक यू. आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूं. लेकिन मैं बेट लेने का सोच रही हूं. बट आई एग्री विद द कोशार्क, देयर इज एज गुड एज प्री रेवेन्यू. तो उसकी वजह से मैं एक हेफ्टी ऑफर दूंगी, 50 लाख for 15% equity and 25 lakh debt at 10% interest rate. आपको ऑफर मिल गया, मैं तो सरप्राइज्ड हूँ यार. We have an counter offer. Hey. 50 lakh at 10% and 25 lakh debt. ये सब शार्क्स ने आपको रीजंस बताए कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चलेगा. हाँ. तो मैं बेट ले रही हूँ, रिस्की बेट. आपको डिसीजन लेना है. हमने नहीं बोला नहीं चलेगा, हमने कहा कि हमें अभी इन्वेस्टेबल लेना है. तो भी ये पैसे तो कोई नहीं दे रहा है ना. ले लो फ्री के पैसे, धंधा तो चलना है. आप इसकी बात मत सुनिए. I mean, we are confident in our business. Can we do 25 lakh at 7.5% equity? The same lakh at debt. हाँ, तो आपको इक्विटी कम देनी है. इंटरेस्ट दोगे कहाँ से? कमाई तो है नहीं. ले लो, पता है क्यों? ले लो. थैंक यू. आई एम टेकिंग अ बेट ऑन यू गाइस. थैंक यू. गुड जॉब. कुछ इनोवेटिव बनाया है और इनोवेटिव प्रोडक्ट कम आते हैं. गुड जॉब. प्रतीक, विश्वनाथ, कांग्रेचुलेशंस. ऑल द बेस्ट. कांग्रेचुलेशंस. गुड जॉब गाइस. दे आर गोइंग टू कम बैक इन सीजन 3 एज माय सक्सेस स्टोरी. राइट. या. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू गाइस. सी यू.